कानपुर में कारोबारी राहुल गुप्ता उनकी पत्नी एकता गुप्ता की हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोपी है जिम ट्रेनर विमल सोनी लगातार ये पूरा मामला चल रहा है और इसमें पुलिस ने भी अपनी एक कहानी बताई है कि, कि किस तरह से जो आरोपी है उसको पकड़ा गया किस तरह से आरोपी ने हत्याकांड का अंजाम दिया ये पुलिस की तरफ से बताया गया है लेकिन अब इस कहानी में कई सारे मोड़ हैं कई सारे पेच हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खुद एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता वो मौजूद हैं उन्होंने सी बी की मांग भी की है तो सबसे पहले उनको ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से पेच हैं जिनके वजह से उनको लगता है कि इस पूरे मामले की सी बी होनी चाहिए राहुल जी आपने सीबीआई जांच की मांग करी है तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है या पुलिस की थ्योरी में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जिससे आपको लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सर देखिए अपने यहाँ अपने हिसाब से तो उन्होंने जो किया किया मगर ये एक इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो प्रशासनिक इतना बड़ा कंपाउंड जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ पे पाँच से पाँच से छः फीट का गड्ढा खोद के एक महिला को दफना दिया जाता है और आ, किस तरह से ये पॉसिबल है तो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये एक दिन का तो काम है नहीं कि एक दिन में उसने गड्ढा खोदा दो दो चार एक आधे घंटे में और खोद के उसने डाल दिया ये भी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पूरी सोची समझी प्लानिंग थी कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम सर आए और हमने जो है उसको वहाँ पे डाल दिया हमसे मर गया वो आदमी और हमने वहाँ पे डाल दिया मगर ये कैसे आदमी बिलीव कर ले कि प्रशासनिक का जो इतना बड़ा वो कंपाउंड है वहाँ कोई कैसे ये कर सकता है इतनी कि गड्ढा खोद के और डाल देना और किसी को अगल बगल पता ना चलना ये बहुत बड़ी बात है अपने में मिस्ट्री है अभी भी ये मिस्ट्री है एक तरह की अभी भी ये मिस्ट्री है अच्छा एक बात और कि जैसे बताया जा रहा था कि जो आरोपी है और आपकी जो पत्नी है मृतिका अब नहीं है एकता गुप्ता उनके बीच में दोस्ती थी और गाड़ी में कुछ बात हुई शायद तिलक को लेकर आरोपी के तिलक को लेकर और उसके बाद पुलिस ने ऐसा बताया कि गला घोट दिया फिर मार दिया ये क्या इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती सर देखिए एक बात बताएं कि वो दो साल से जा रही थी और वाइफ़ हमारी भी बहुत जॉली नेचर की थी बहुत जल्दी विश्वास करने वाली वो लेडी थी इसलिए आज वो इस हादसे का शिकार भी हुई है और ये एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि बातचीत होना और ये तिलक और ये सारी चीज़ों को एंगल को जोड़ना ये कहीं उसमें कुछ भी नहीं है ये सिर्फ अब क्या है क्योंकि मेरा आदमी तो मर चुका है तो वो अगर वो सामने होता तो चीज़ें खुल के आती मगर जब चीज़ मर चुका है तो आरोपी अपने आप को बचाने के लिए डिज़ाइन कर रहा है ये सारी चीज़ें कि मेरा ये था वो तिलक हो रहा था तो उस बात पे हमने वो चीज़ करी हमने गला घोट दिया मगर हाँ ये था कि कोई बात इन लोग के बीच में हुई है वो उसको नागवार हुई या कोई आपत्तिजनक बात वो कर रहा था जिसको मेरी पत्नी ने वो करा कि भाई हाँ, हमें ये नहीं करना तो उसने जो भी उसकी गाड़ी में रस्सी या कुछ भी रखी थी डिज़ाइन करके उसको मार दिया रस्सी से गला घोट के कुछ प्रोटीन शेक की बात भी सामने आ रही थी कि कुछ आरोपी प्रोटीन शेक खुद से दिया करता था ऐसा कुछ आपकी भी जानकारी में शायद आया था कि वो क्या मामला है तो सर प्रोटीन शेक जो है हमारी वाइफ को करीब पिछले दो तीन चार महीने से वो दे रहा था कंटिन्यू और एक इनकी सहेली है परमट में रहती है उसने भी आपत्ति की सर आप जो है इनको प्रोटीन शेक देते हैं आप हम लोग को नहीं देते तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ इनके लिए एकता मैम के लिए है आप लोगों के लिए नहीं है तो प्रोटीन शेक देता था और ये यही सारी चीज़ें थी कि वो उसने इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले रखा था कि हम एकता मैम ये आप ये खाइए वो खाइए जो एक, एक जिम ट्रेनर का एक वो होता है उसने बहुत तरीके से अपने को इनके ऊपर विश्वास जमा लिया था और विश्वास जमाने के बाद ये जो आपको प्रक्रिया मिली है जो आज छब्बीस तारीख को जो हादसा जो खुल के आया कि उनकी डेड बॉडी मिल रही है वो यही विश्वास का नतीजा है कि विश्वासघात किया गया है उसी गाड़ी में इन्होंने अपनी बातचीत पे कुछ भी हुआ होगा उसमें इन्होंने मार दिया उसको उठा कर क्या कभी भी जैसे आपने बताया कि दो चार महीने से प्रोटीन शेक दे रहा था और सिर्फ उन्हीं को दे रहा था तो क्या उनकी तबीयत में है? कुछ फ़र्क आया या उनकी बातचीत में कुछ फ़र्क आया या उन्होंने आपसे कोई शिकायत करी कभी इस बारे में कि कहीं कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है या फलाने ने कुछ कहा है या उनकी तबीयत में आपको कोई चेंज़ दिखा मतलब कुछ भी उन दो चार महीनों में कुछ दिखाई पड़ा क्या सर उनकी तबीयत में दिक्कत आई थी प्रोटीन शेक वो पी रही थी उनकी तबीयत में काफ़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए वो जिम भी नहीं जा रही थी बीस पच्चीस दिन से वो जिम नहीं जा रही थी और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको ब्रीथिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और बी का इशू हो गया था उनको तो बीपी की दिक्कत चल रही थी उनके तथा तो ये प्रॉब्लम प्रोटीन शेक से हुई थी जब ये मुझे पता चला तब ये सारी चीज़ें हुई तब तक वो उनका अपहरण हो चुका था जब हमें मुझे पता चला ये चीज़ कि तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये प्रोटीन शेक के कारण इनकी तबियत खराब क्योंकि इससे पहले ये बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि इससे पहले मैं बिहारी जी और दरबार सब जगह जाके होके आया था उसी जून के महीने में और उसके बाद ये हादसा हो गया हमारे साथ एक बड़ा सवाल और है एक शव मिला है महिला का बताया जा रहा है कंकाल मिला है उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है और उस पर कुछ चीज़ें भी मिली हैं जो आपकी पत्नी से संबंधित हैं लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सवाल है क्या ये कंकाल एकता गुप्ता का ही है क्या इस बारे में डीएनए जांच के लिए आपके परिवार से बच्चों से कोई सैंपल लिया गया है अभी सर डीएनए जांच के लिए सैंपल तो कोई लिया नहीं है हमसे मगर यह प्रशासन ने ही बोला था कि डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा बच्चों का या उनकी माँ का या फादर का तो वो हमने कहा था ठीक है वो देंगे हम लोग क्योंकि अभी तो चीज़ें क्या हैं जो हमने वेरीफाई किया है वो उसकी जो वेयर करी हुई टी शर्ट थी और जो अंडर गारमेंट था अंदर का उससे हमने वेरीफाई किया बाकी उसमें कुछ बचा तो था नहीं सिर्फ हड्डी हड्डी के अलावा कुछ नहीं था थोड़ा बाल बाल थे तो उससे वेरीफ़ाई कर लिया था कि थोड़ा नीचे ब्राउन थे ऊपर ब्लैक बाकी और तो सर कुछ मिला नहीं ना अंगूठी ना उसकी कोई किसी तरह का कोई शूज़ वगैरह हो या कुछ हो कुछ नहीं मिला उसका और लोअर टी शर्ट में थी वो लोग रेड टी शर्ट पहने हुई थी ब्लैक लोअर था तो वही ब्लैक और रेड टी शर्ट ही निकली थी मतलब रेड क्या वो तो मटमैली हो गई थी पूरी वो रेड मगर दिख रहा था मगर अंडर गारमेंट के उससे भी है, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ अपना हा, ही आदमी मगर जब तक डी एन ए नहीं होगा तब तक पूरी चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाएंगी कि वो हमारा ही था या कोई और है भाई हमने तो कोई उसको देखा नहीं बस कपड़ों के आधार पर हमने उसको वेरीफाई किया कि हाँ ये हमारा ही आदमी है अब आप क्या मांग रखते हैं या आप अभी तक पुलिस की जो भी पूरी थ्योरी है या जो आरोपी ने बताया है उससे आप संतुष्ट हैं या आपकी कुछ और मांग है आप कोई और जांच चाहते हैं आरोपी तो सर अपने आप को बचाने का काम कर रहा है और दूसरी बात यह है कि प्रशासन जो अपने लेवल पर जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है मगर मैं ये चाह रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान कर रहा हूँ इससे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोलना चाह रहा हूँ एक बार इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई के थ्रू करा देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम अपने प्रेस भाइयों से भी कह रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री जी के पास ये मेरी आवाज़ को पहुँचाई भी जाए कि उनको ये पता चले कि जो चीज़ें हुई हैं और कंपाउंड के अंदर हुई हैं एक प्रशासनिक कंपाउंड के अंदर हुई हैं डीएम कंपाउंड के अंदर हुई हैं तो वो भी चीज़ें खुल के आए ना हो सकता है कोई चीज़ें इन्वॉल्व हो या कुछ हो तो और भी चीज़ें खुल के आएँगी कि किसी और बंदे के साथ ये आपत्तिजनक घटना ना हो किसी और का घर इस तरह से बर्बाद ना हो जिस तरह से मेरा घर बर्बाद हो गया क्या आपको लगता है कि अकेले ही इस पूरी चीज़ को अंजाम दिया गया हो, होगा या आरोपी द्वारा या हो उसका कोई साथी भी साथ में हो सकता है सर अकेले तो इंपॉसिबल है ये चीज़ क्योंकि गड्ढे को मेंटेन करना खोदना इतना बड़ा गड्ढा खोद के डाल देना और फिर अंदर किस तरह से ले गए तो ये सारी चीज़ें इंपॉसिबल है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी तो इसमें इन्वॉल्व है अब वो कौन इन्वॉल्व है वो तो वो अपराधी बता पाएगा क्योंकि वो हो सकता है कि उसके दिमाग में कहा गया हो कि तुम अपने ऊपर ओढ़ लो सारी चीज़ें बाकी हम आगे देख लेंगे क्योंकि प्रशासन से तो वो जुड़ा ही हुआ था शासन प्रशासन से जुड़ा ही हुआ था वो डीएम तो उसकी पकड़ तो है ही है कहीं ना कहीं तो जी तो आप थे राहुल गुप्ता जिनका साफ तौर पे यह कहना है कि सबसे पहली बात वो कोई प्रोटीन शेक पिलाया करता था मृतका को दो तीन महीनों से जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब होती थी दूसरी बात उन्होंने ये मांग करी है सीएम योगी से कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए करा और तीसरा उनका यह भी कहना है कि इस तरह से आठ दस फीट का गड्ढा खोद कर किसी को ले जाके दफन कर देना और उसके बाद वो इतने महीने गुजर जाना यह अकेले संभव नहीं है हो सकता है इसके साथ में कोई ना कोई और साथ रहा हो और एक और सबसे बड़ी बात है कि जब तक डीएनए टेस्ट ना हो जाए तब तक ये पता नहीं चलेगा कि जो कंकाल मिला है वो एकता गुप्ता का था भी या नहीं अनुराग अग्रवाल टी वी कानपुर